नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्ट एंड डेकोर विद लिली में। फ्रेंड्स, फेस्टिवल आ रहा है, दशहरा, दिवाली, और ढेरों काम भी होंगे। घर की सफाई करनी होगी, मिठाई बनाना होगा, पूजा की तैयारी करनी होगी, शॉपिंग करना होगा, ढेरों काम। तो मैंने तो अपनी शॉपिंग थोड़ी सी शुरू कर दी है। थोड़ा सा मैंने होम डेकोर रिलेटेड कुछ शॉपिंग किया है, तो कुछ ऑनलाइन मैंने मंगाया, कुछ स्टोर पे जाके ख़रीदा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी अपनी शॉपिंग को शेयर करूं, आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है अपने घर के डेकोर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आएगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने ये बेडशीट मंगाई है। ये डबल बेड की बेडशीट है और इस पे इस तरीके का प्रिंट है और इसका फैब्रिक कॉटन है। तो आजकल इस तरीके के प्रिंट का काफ़ी फैशन है, काफ़ी ट्रेंड में है ये प्रिंट, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बहुत पसंद आया। तो इसके साथ जो है ये दो पिलो कवर भी हैं और इसमें जो है जिप भी लगी हुई है। ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें जिप लगी हुई है। और ये मैंने जो है अमेज़ॉन से मंगाया था, ये करीब मेरे ख्याल से शायद 850 का था ये बेडशीट। मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैंने इसको मंगाया था। जब मैं इसको बिछाऊंगी अपने बेड पे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ये कुशन कवर मंगाया है। ये कुशन कवर 24x24 का है। मैंने अपने सोफे के कुशन के लिए मंगाया है। तो इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया, इसका फैब्रिक भी कॉटन ही है और इसके अंदर जो है फोम लगा हुआ है और बैक साइड में ये इस तरीके से मरून कपड़ा है और इसका प्रिंट मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो ये मैंने जो है ये 5 का पीस था, ये करीब शायद 950 का मुझे पड़ा। ये भी मैंने जो है अमेज़ॉन से ही ऑर्डर करके मंगाया था। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका जो प्रिंट है ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो जब मैं इसको लगाऊंगी तो मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये मैंने ये टेबल रनर मंगाया है। ये टेबल रनर जो है 13x70 का है साइज इसका 13x70 साइज है इसका। और इसका कलर कुछ बादामी सा है और इस पर ये गोल्डन इसको क्या बोलेंगे, इसमें प्रिंट ही है, ये पेंट तो नहीं लग रहा है मुझे। इसके फैब्रिक के अंदर ही ये ब्रोकेट टाइप का कुछ फैब्रिक लग रहा है और इसके दोनों साइड पे ऐसे टेसल्स लगे हुए हैं गोल्डन कलर के। ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। ये हालांकि ये मैंने अपने सेंटर टेबल के लिए मंगाया था, लेकिन इसको मैं देखती हूँ कहाँ पे इसको डालती हूँ, सेंटर टेबल पे डालूंगी चाहे अपने टीवी कैबिनेट पे बिछाऊंगी। तो मैं आपको जब बिछाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने अमेज़ॉन से एक ये लाइट मंगाई है। ये फेरी लाइट होती है फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर होती है और जैसे कि बाज़ार में बहुत ही बड़ी बड़ी सी लड़ी होती है तो कहीं कहीं पे होता है कि छोटा सा डेकोरेशन करना होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी सी लाइट एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे लगाने पे। तो ये बैटरी ऑपरेटेड होती है, इसमें 2 बैटरी लगती है। ये देखिए मैं आपको जला के दिखाती हूँ। हालाँकि ये थोड़ा सा डेलिकेट है लेकिन जो है बहुत ही सुंदर लगता है और लाइट वेट भी है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था और इसका रेट शायद 200 था। हाँ, 200 का ये लाइट था और ये 3 मीटर की है लाइट, इसका साइज 3 मीटर है। और ये फ्रेंड, जो मैंने ये टेबल रनर मंगाया था, इसका रेट मैंने आपको नहीं बताया, ये शायद 317 रुपये का है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाया था तो मुझे रेट इसका सही लगा क्योंकि इसका फैब्रिक भी अच्छा है, स्टफ इसका अच्छा है। तो ये लाइट भी मुझे बहुत पसंद आई। तो आप भी ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत महंगा नहीं है ये।
इसके बाद फ्रेंड्स मैं स्टोर 99 भी जाती हूँ, तो ये मैं वहाँ गई थी, तो ये मैंने ये छोटा सा ये फ्लावर पॉट सा लिया है। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है और ये सेरेमिक का पॉट है। ये मेरे ख्याल से ये 250 का था। ये बहुत ही, इसका फ्लावर ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, तो आप कहीं पे भी डेकोरेशन करें, कहीं पे कोई प्लेटर सजाएं तो उसके अंदर रख सकते हैं इसको। ऐसे मैंने एक सकुलेंट भी लिया था, ये बहुत ही प्यारा सा, देखिए क्यूट सा कैट वाला पॉट है। ये भी शायद 200 का था। हाँ, ये 200 का था। ये भी मैंने 99 स्टोर से लिया था। इसके बाद मैंने एक ही आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट भी लिया था। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि घर के अंदर अगर धूप नहीं आती है किसी रूम में, और आपका मन करता है कि कहीं आप प्लांट लगाएं या कुछ इस तरीके से अपने पॉट में रखें, तो वहाँ पे आप किसी भी पॉट में इसको रख दीजिए और ओरिजिनल प्लांट न भी लगाइए तो भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसलिए मैंने इसको लिया। इसका रेट शायद मेरे ख्याल से ये 150 का था, मुझे मिला था। ये मैंने DIY एक स्टोर है वहाँ से लिया था। तो बस इतनी सी शॉपिंग है मेरी फ्रेंड्स, जो कि मैंने अभी तक ली है फेस्टिवल के लिए। तो जो है और भी अगर जब मैं शॉपिंग करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपनी छोटी सी शॉपिंग दिखाई, तो उसमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। प्लीज़ फ्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे अपने अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।